खबर लेने पटियाले जिले के पिंड सिद्धूवाल तो दसना चाहता कि जिवें किसान जथेबंदियों वालों ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इस बार की जिहड़ी लोहड़ी है काली लोहड़ी मनाई जाएगी और लोहड़ी दे विच तिलां दी जगह खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित जिहड़े केंद्र सरकार वालों पास किए हुए काले कानून है उन्होंने काले कानूनों दीआं कापियां साड़ के लोहड़ी मनाई जाएगी और पिंड सिद्धूवाल दे विच भी किसान जथेबंदियों वालों मजदूर जथेबंदियों वालों बकायदा तौर पर किसान जथेबंदियों के हुक्म की पालना की गई है। लोहड़ी तो मनाई गई है पर लोहड़ी दे विच काले बिलों दीआं कापियां नूं साड़ के लोहड़ी मनाई है और केंद्र सरकार के खिलाफ की जम के नारेबाजी। इस संबंध में की गलबात हुई है आओ सुनते हैं। अनेक सिंह जी केड़ा पिंड है जी सिद्धूवाल जी ये जिहड़ा तुसीं अज लोहड़ी मना रहे हो इहदा की मंतम है? ये असी लोहड़ी नहीं जी असल मना रहे असी तो यह काले कानून साड़ रहे हाँ साड़ी कोई लोहड़ी मना नहीं साड़ी तो बहुत दुखदाई यह चीज़ है। लोहड़ी वैसे खुशी दी है पर यह साडे वास्ते दुख है एक कि जिहड़े काले कानून ने तीन बनाए असी इन्हां नूं बिल्कुल रद्द करदे हाँ असी इन्हां नूं साड़ांगे क्योंकि साडे हक च नहीं जिहड़ा साडा कोर्ट ने भी फैसला करिया इसे करके साडे किसान जिहड़े मतलब होते ना आगू वो इसे करके नहीं गए भी ये जिहड़ी कोर्ट है ये भी इन्हां दी हुआ साडे लायक नहीं है कि वो सख्ते दी करूगी सानू उहदे चों कोई फायदा नहीं होया मतलब साडा नुकसान करे सानू टाल मटोल करके अलझाया जा रहा समका कोर्ट का आसरा लैके अलझा रहे ने कोई साडे हक च नहीं भुगत रहे असी इस करके काले कानून ने इन्हां नूं असी धूणी च साड़ांगे चुकांगे असी नहीं इन्हां नूं मनदे काले कानून असी बिल्कुल नहीं रख के खुश ना रखिए बच्चा बच्चा देख लो छोटे छोटे बच्चे भी इस नूं चक्की फिर रहे ने भी असी चुकांगे अपने आप जा रहे ने लोग ठीक है जी असी तां समका कहने भी थोड़े जे घट चलीए भी शायद आपां फिर जाना पवे पर नहीं लोग एक दूए तो वध के मूहरे जा रहे ने ये आपस में कह रहे हैं एक दूए नूं भी उह तां देश धरोही है जिहड़ा इस कम दे विच नहीं जांदा हर के गरीब के अमीर हर कोई के शहरी लोग भी इस चीज़ नूं असीं उत्थे गए थे जी मीटिंग होई थी उत्थे भी बड़ा जोर शोर नाल उन्हां ने कहा भी असीं जाणा है बड़े नारे लगे ने पर असीं भी सारे ही जावांगे इही जी गल नहीं ते जिहड़े परेड वास्ते ट्रैक्टर अपने किन्ने क जाणगे जी 20-25 तैयार ने जी 20-25 जा रहे ने बाकी असीं 23 तरीक नूं 22 नूं मेरा नाम भीम सिंह रिटायरमेंट आर्मी चो जी मैं असं मोदी के काले कानूनों का विरोध करते हैं पूरा जोर तोर नाल अभी 26 तरीक नूं दिल्ली पहुँचांगे जी पूरा अपने आर्मी जिन्हें रिटायरमेंट फौजी है अं सारे कानून का विरोध करते हैं जी इस करके असं लोहड़ी मना नहीं रहे अफसोस कर रहे हैं इस करके अं काले कानून रद्द करते हैं अग के पिछे फूक रहे सारे कानून काले सानू कुछ दिल्ली जाने साडिया फुल तैयारियां ने असी अपनी परसनल गड्डिया लैके भी जावे ट्रैक्टर लैके भी जावे पूरे जोर शोर नाल जावे जिन्हें रिटायरमेंट फौजी है सारे हम आके पूरे जोर नाल समर्थन देवे भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है फिर रिलीफ हमेशा याद रखो बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से दोबारा आने लग गए तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील